अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 233 पेपर बी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय क्यूब रूट, और इसकी बेस में है 3x प्लस 4 की होल पावर 2, यानी स्क्वायर में है, और साथ में है डॉट dx। इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय, पहले पूरा क्वेश्चन लिखा जाएगा, इसमें पहले तो है क्यूब रूट और इसके अंदर है 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर और डॉट dx है। अब इस फॉर्म को थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, ये स्क्वायर को मैं थोड़ा विजिबल कर दूं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, सो क्यूब रूट जो होगा ये 1 डिवाइड बाय 3 पावर में आ जाएगा, इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, और इसके ऊपर हमारे पास है यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये अगर 2 ओवर 1 है और 1 ओवर 3 आ गया तो इसको आप 2 ओवर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 वन द 2 हो जाएगा और 3 वन द 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साथ आपका डॉट dx भी आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे कर दूं ताकि आपको पावर अंडरस्टैंड हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय 3x प्लस 4 की जो पावर हो जाएगी नीचे, ये 2 डिवाइड बाय 3 और डॉट dx आ जाएगी। देखें ये पावर नीचे क्या है आपकी, पॉजिटिव है, यही वैल्यू ऊपर जाकर पावर को बना देगी नेगेटिव, तो 3x प्लस 4 की जो होल पावर होगी वो माइनस में 2 डिवाइड बाय 3 डॉट dx आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन हो गया ना आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है, इसको चेक करके देखिएगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि बेस का डेरिवेटिव साथ होना जरूरी है, तो अब बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर लेकर देखें, बेस क्या है, बेस है 3x प्लस 4, तो जब आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3, और या पहले हम उसको बिल्कुल मैनुअली करते हैं कि आप यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव अलग से लें, ठीक है, प्लस सेकेंड वाली वैल्यू का अलग से डेरिवेटिव ले लें, ठीक हो गया। इसमें 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा, और फिर आपने इसकी बेस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो 3 इंटू 1 प्लस ये 0 रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या दे रहा है हमें, 3 दे रहा है, यानी इस पूरे सवाल में 3 के साथ मल्टीप्लाई होना जरूरी है, तो हमने यहाँ पर खुद से 3 लगाना भी है, खत्म भी करना है। ये मैंने खत्म कर दिया, और ये मैंने 3x प्लस 4 इसके साथ यहाँ पर मैंने 3 को जरब भी दे दी और डॉट dx आ गया। अब आप बताएं क्या जो बेस यहाँ पर लिखी हुई है क्या इसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हो रहा है 3, इस सारी बेस 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव 3 होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर सिंपली पावर रूल लगा सकता हूँ, पावर रूल जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था, तो अब इस पे पावर रूल इस तरह से लगेगा कि इंटीग्रल का साइन तो खत्म हो जाएगा और इसकी जो पावर होगी ना उसमें हम एक ऐड कर देंगे, बस ये इसका रूल होता है, और इसी पावर को मैं नीचे यहाँ पर एज इट इज डिवाइड भी कर दूंगा और फिर प्लस में सी भी लगा दूंगा। अब जैसे कि आपको पता है ऊपर वाला 3 जो है ये नीचे आ सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4, इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 3 वन द 3 माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो पॉजिटिव में 1 मिलेगा और डिवाइड में 3 हो जाएगा, ठीक है, और होल डिवाइड बाय नीचे ये आपका 3 नीचे चला गया, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर देखे 3 वन द 3, और सॉरी ये नीचे मैंने 3 बटा 3 लिख दी है, 3 तो नहीं है ना, ऊपर पावर तो 2 बटा 3 है ना, ठीक है, 3 एकम 3 आ गया और माइनस 2 जमा 3 किया तो कितना हो गया। अब एक और चीज है, सॉरी एक और काम कर लेते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता दूं कि अगर कैलकुलेटर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना तो ये चीज आपके लिए और ज्यादा आसान है। लिखे यहाँ पे माइनस 2 डिवाइड बाय 3 तो वैल्यू आ गई ना आपके पास, इसमें आप यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, प्लस 1 कर दें आपको खुद ब खुद वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, ये चीज आपके लिए ज्यादा आसान हो गई, ठीक है। अब इस तरह नीचे भी 1 ओवर 3 आ गया, 3 से कट जाएगा और प्लस में आपका सी लग गया। अब ये वाली वैल्यू को अगेन आप दोबारा से क्यूब रूट में भी लिख सकते हैं, ना लिखे तो आपका 3x प्लस 4 इसकी पावर हो गई 1 डिवाइड बाय 3 और प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है।
उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।